दिल्ली के शकरपुर इलाके में पीजी में रहने वाली प्रोफेशनल लड़की ने की खुदकुशी, पुलिस ने किया सुसाइड नोट बरामद। एक नामी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करती थी खुदकुशी करने वाली युवती, मध्य प्रदेश में लड़की के माता पिता को पुलिस ने दी खबर, खुदकुशी की वजह की जांच जारी। बीती रात राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में गैंग वॉर में चली गोलियां, बदमाश संजय को लगी गोली, पुलिस ने मर्डर की कोशिश का केस दर्ज कर शुरू किया आरोपी की तलाश। गुजरात के बनासकांठा में धू कर जली ऑडी कार, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के पंचकुए रोड पर रतनलाल फर्नीचर मार्केट में देर रात लगी भीषण आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के मिर्जापुर के चुनार इलाके में ब्रह्मपुत्र मेल के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में गई दो दोस्तों की जान, 20 साल के दोनों युवक संतुलन खोकर आए ट्रेन की चपेट में। यूपी के सहारनपुर में भी तेज रफ्तार ट्रेन के साथ सेल्फी के जुनून में मरा 10वीं का छात्र कार्तिक। यूपी के मुरादाबाद में पत्नी पर एसिड अटैक कर पति फरार, पुलिस ने शुरू की तलाश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में साई की शोभा यात्रा के खिलाफ शंकराचार्य स्वरूप और सरस्वती के समर्थकों का प्रदर्शन, कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के कानपुर में देवी माता के दर्शन की रट लगाए एक शख्स ने ली भू समाधि, समाधि लगाने वाले सुधाकर शुक्ल को देखने जुटी लोगों की भीड़। यूपी के आजमगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर सैफुद्दीन उर्फ निजामुद्दीन का एसबीआई में खुला खाता, 116 साल के उम्रदराज शख्स है निजामुद्दीन। एसबीआई में अकाउंट खुलने के साथ नेताजी के ड्राइवर निजामुद्दीन के नाम दर्ज हुआ कीर्तिमान, बैंक में खाता खोलने वाले सबसे उम्रदराज शख्स बने। बीते 25 साल से पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद कृपाल सिंह की मौत पर उठे सवाल, अमृतसर में लोगों ने कृपाल की याद में निकाला कैंडल लाइट मार्च। झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी पर गाजेबाजी के साथ निकली झांकियां, मुख्यमंत्री रघुवर दास, इलाके के सांसद जयंत सिन्हा समेत कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय भी शोभा यात्रा में शामिल। राजस्थान के जोधपुर में रामनवमी की झांकी में आसाराम से जुड़ी झांकियों पर उठा विवाद, आरोपों से घिरे आसाराम को निर्दोष बताने वाली झांकियों पर लोगों ने जताई नाराजगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उद्योगपति विजय माल्या पर कसा शिकंजा, मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से माल्या के खिलाफ मांगा गैर जमानती वारंट। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में ईडी की अपील पर माल्या के खिलाफ आज दोपहर होगी सुनवाई, जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट। ईडी के समन के बावजूद 3 तारीखों पर पेश नहीं हुए विजय माल्या, करीब 9400 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज को लेकर माल्या है निशाने पर। मोदी सरकार ने भी दिया विजय माल्या को तगड़ा झटका, 4 हफ्ते के लिए राजनयिक पासपोर्ट किया सस्पेंड। सरकार ने मांगा विजय माल्या से 1 हफ्ते के भीतर जवाब, क्यों ना पासपोर्ट जब्त करे सरकार। आज आगरा में ताजमहल का दीदार करेगा ब्रिटेन का शाही जोड़ा, दोपहर में भूटान से सीधे आगरा पहुंचेंगे केट मिडिलटन और राजकुमार प्रिंस विलियम। शाम को 2 घंटे तक ताजमहल में घूमेंगे शाही दंपति, देर रात चार्टर प्लेन से रवाना होंगे दिल्ली। ब्रिटेन के शाही जोड़े के आगरा दौरे के लिए सख्त हुई सुरक्षा इंतजाम, ब्रिटिश एजेंसियों के साथ ताजमहल के आसपास भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। शाही जोड़े के दौरे को देखते हुए ताजमहल में साफ सफाई अभियान, गुम्बद, शीश महल और संगमरमर की जालियों की हुई विशेष सफाई। ब्रिटिश शाही परिवार का ताज से है पुराना नाता, 1961 में महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, 1980 में प्रिंस चार्ल्स और साल 1992 में प्रिंसेस डायना भी कर चुकी हैं ताज का दीदार। अमेरिका ने फिर से दी पाकिस्तान को चेतावनी, कहा सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान, हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, लश्कर समेत सभी आतंकी गिरोहों पर शिकंजा कसे पाकिस्तान। अमेरिकी विदेश विभाग के केबल खुलासे में दावा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क में सांठगांठ के संकेत।
ब्रॉक का एजेंट बताकर पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान ने अरब आसियान के राजदूतों को दी सफाई, कहा कुलभूषण के खिलाफ है अहम सबूत। पाक भारत वार्ता पर संयुक्त राष्ट्र में बयान के बाद फिर से पलटा पाकिस्तान, पाक विदेश मंत्रालय ने कहा स्थिति नहीं हुई है शांतिवादी। आज से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दो दिन का ईरान दौरा, तेल कारोबार समेत अनेक मसलों पर होगी द्विपक्षीय बातचीत। ईरान के बाद सुषमा स्वराज मॉस्को में रूस चीन भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल, दो दिन तक होगी अनेक अहम मसलों पर बातचीत। मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री के साथ जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर पर बैन का मसला उठना तय, चीन के सामने एतराज दर्ज कराने की तैयारी। अमेरिका दौरे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वीजा फीस में बढ़ोतरी पर जताया एतराज, भारतीय आई प्रोफेशनल्स के साथ शुल्क बढ़ोतरी को बताया भेदभाव। अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के हितों पर जेटली की अमेरिका को नसीहत, कहा टोटलाइजेशन एग्रीमेंट समेत भारतीय प्रोफेशनल्स की जरूरत पूरी करे अमेरिकी सरकार। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों ने शनिवार को भी बुलाया बंद, शुक्रवार को हंदवाड़ा गोलीकांड को लेकर कुपवाड़ा में आर्मी की फायरिंग में मरा एक नाबालिग युवक। कश्मीर के कुपवाड़ा में मारे गए नाबालिग युवक पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जताया अफसोस, मौत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। शुक्रवार को कुपवाड़ा के नूनतूसा इलाके में आर्मी कैंप में प्रदर्शनकारियों के हमले पर हुई फायरिंग, 12 अप्रैल से लेकर अब तक फायरिंग में 5 की मौत। 12 अप्रैल को हंदवाड़ा में छेड़खानी की झूठी अफवाह फैलाकर आर्मी के खिलाफ उकसाया गया था प्रदर्शन, बंकर में भी प्रदर्शनकारियों ने किया था आग के हवाले। आर्मी ने छेड़खानी की झूठी घटना पर पीड़ित लड़की का वीडियो किया था पेश, लड़की ने कहा किसी सैनिक ने नहीं की छेड़खानी। जम्मू कश्मीर में LOC पर घुसपैठ में आई गिरावट, लेकिन आर्मी का दावा दूसरे रास्तों से घुसपैठ की फिराक में आतंकवादी। नॉर्दर्न कमांड के आर्मी प्रवक्ता का दावा, साल 2014 में 221 घुसपैठ की घटनाओं के मुकाबले साल 2015 में घुसपैठ की 92 घटनाएं, 2013 में 277 के बार हुई थी घुसपैठ। जम्मू कश्मीर में LOC पर साल 2014 में 52 आतंकवादी किए गए थे ढेर, सेना के प्रवक्ता ने कहा 2015 में LOC पर मारे गए 37 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ में आई बड़ी कमी, आर्मी के मुताबिक आतंकवादी अब रणनीति बदलने में जुटे। जम्मू कश्मीर में स्थानीय युवक की भर्ती में जुटे हैं आतंकवादी संगठन, आर्मी को खुफिया हवाले से मिली जानकारी। रामनवमी के दिन अयोध्या में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान, गंगा सफाई पर पेश किया आकलन, कहा 20 साल लगेंगे सफाई में। अयोध्या में उमा भारती ने गंगा सफाई के पहले चरण की सफलता पर किया दावा, अक्टूबर 2016 में पेश करेंगी गंगा सफाई पर रिपोर्ट कार्ड। उमा भारती ने गंगा सफाई के साथ यमुना सरयू घाघरा रामगंगा समेत सभी सहायक नदियों की सफाई को बताया अहम, कहा सहायक नदियों की सफाई के बगैर गंगा पुनरुद्धार मुश्किल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर उमा भारती का अहम बयान, कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मंदिर आंदोलन की बड़ी जीत। उमा भारती ने राम मंदिर विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझाने की जताई उम्मीद, कहा सभी पक्ष गंभीरता से कोर्ट के बाहर निकाले सुलह का फॉर्मूला। सूखा प्रभावित महाराष्ट्र के इलाकों में राहत के लिए सचिन तेंदुलकर ने बढ़ाए मदद के हाथ, बुलढाणा के गांव को सचिन ने दी मदद। बुलढाणा की जनजाति बहुल पलसी झांसी गांव की सड़क के लिए सचिन ने सांसद निधि से दी मदद। मास्टर ब्लास्टर ने बिजली की कमी पर गांव में सोलर लैंप के लिए भी दी मदद, सचिन की मदद से खुश हुए गांव वाले। किसानों की दुर्दशा पर बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर ने भी दिखाई दरियादिली, खुदकुशी करने वाले 111 किसान परिवारों को पहुंचाई नकद मदद, कहा शराब पर महाराष्ट्र में भी लगे बैन। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित बीड जिले में आमिर खान ने किया दौरा, सूखे की हालत पर जताई चिंता। दिल्ली में गर्मी ने दिखाए तेवर, शुक्रवार को अचानक चढ़ा पारा, अधिकतम तापमान पहुंचा 42 डिग्री के पार।
पटना में भी गर्म हवाओं में जनजीवन अस्त व्यस्त। गंगा नदी के जलस्तर में तेज कमी से बढ़ी लोगों की चिंता। यूपी के गोंडा में भी गर्मी से हुई पानी की किल्लत। जिले के 7,000 से ज्यादा तालाबों का पानी सूखा। सैकड़ों तालाबों पर दबंगों ने किया कब्जा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी गर्मी में पानी को लेकर मुश्किलें बढ़ी। गंगा का जलस्तर तेजी से गिरा। पुराने शहर में पानी की किल्लत तो दर्जनों इलाकों में तालाबों पर दबंग काबिज। झारखंड के लातेहार में भी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 के पार। कई विकास खंडों ने हैंडपंप का पानी खत्म। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के सैकड़ों गांवों में पानी की किल्लत। जलस्तर घटने से हजारों परिवार प्रभावित। होशंगाबाद में आधा दर्जन नदियां सूखी। गर्मी में पानी के लिए सूखी नदियों को खोदने में जुटे गांव वाले। आंध्र और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी पानी की बूंद के लिए तरसे लोग। पानी की कमी से आपूर्ति ठप। तेलंगाना राज्य प्रशासन ने सूखे की हालत को बताया गंभीर। कहा 30 सालों में नहीं पड़ा ऐसा सूखा, लिहाजा जमीन में जल स्तर घटा। हैदराबाद में अप्रैल महीने में ही तापमान ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। अधिकतम तापमान 43 डिग्री से ज्यादा हो चुका है दर्ज। विवादों में फंसे यूपी के नए नवेले बीजेपी अध्यक्ष। वाराणसी में समर्थकों ने पोस्टर में बताया कृष्ण, विपक्ष को बनाया दुशासन। केशव प्रसाद मौर्य के वाराणसी पोस्टर को लेकर कोहराम। वाराणसी में सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। विवादित पोस्टर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं की टिप्पणी। कहा वाराणसी पहुंचकर लूंगा जानकारी। विवादित पोस्टर को लेकर कांग्रेस का हमला। मनीष तिवारी बोले बीजेपी के डीएनए में है धर्म का नेगेटिव इस्तेमाल। विवादित पोस्टर को लेकर बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। कहा पार्टी का नहीं है कोई लेना देना। कार्यकर्ताओं ने उत्साह में लगाए पोस्टर। विवादों में फंसे महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से। विपक्ष ने लगाया सूखे से जूझ रहे लातूर में हेलीपैड के लिए 10,000 लीटर पानी बर्बाद करने का आरोप। लातूर के करीब वेलुकुन में पानी की टंकियों का उद्घाटन करने पहुंचे थे एकनाथ खड़से। एनसीपी बोली कार से भी जा सकते थे कृषि मंत्री। मामले के तूल पकड़ने के बाद कृषि मंत्री एकनाथ खड़से ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा इस्तेमाल किया गया सिर्फ 200 लीटर पानी। एकनाथ खड़से को लेकर कांग्रेस ने भी साधा निशाना। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बोले सड़क के रास्ते जा सकते थे मंत्री। एकनाथ खड़से के समर्थन में उतरी बीजेपी का जिम्मेदार नागरिक है मंत्री, जरूरी था हेलीकॉप्टर से जाना। एलटीसी फर्जीवाड़ा केस में जेडीयू सांसद अनिल सहनी की बड़ी मुश्किल। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने सीबीआई को दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। अनिल सहनी पर फर्जी बिल की मदद से सरकार से 24 लाख लेने का आरोप। सीबीआई ने दाखिल किया था चार्जशीट। एलटीसी फर्जीवाड़े में अनिल सहनी ने खुद को बताया बेकसूर। आज तक से बोले उन्होंने सदन में खुद उठाया था मामला। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यूपी चुनाव के लिए राहुल गांधी को सौंपा प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक राज्य में शीला दीक्षित को कमान सौंपने की सिफारिश। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर के प्रस्ताव से नाराज है पार्टी के दिग्गज नेता। राहुल गांधी ने अभी नहीं लिया फैसला। पुलिस ने बढ़ाई जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया और उमर खालिद की सुरक्षा। जान से मारने की धमकी की मिली थी चिट्ठी। चिट्ठी में दी गई थी कन्हैया और उमर के सिर कलम करने की धमकी। नीचे लिखा था अनिल जानी का नाम। जेएनयू को किया गया अलर्ट। हरियाणा के झज्जर में मेजर शहीद अमित देसवाल को दी गई आखिरी विदाई। पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। मणिपुर के तामेंगलोंग में उग्रवादियों से एनकाउंटर में शहीद हुए मेजर अमित देसवाल। जनवरी में हुई थी आर्मी की स्पेशल फोर्स में इम्फाल में तैनाती। सीकर के पैतृक गांव में दी गई शहीद गोकुल चंद यादव को आखिरी विदाई। 13 अप्रैल को इम्फाल में उग्रवादी हमले में हुई थी मौत। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पटवा बाजार में आग से 45 दुकानें खाक। 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी। ड्रग्स बनाने वाला 1300 किलो पाउडर जब्त। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 270 करोड़ कीमत। राजस्थान के धौलपुर में बेकाबू ट्रक ने जीप को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, करीब 15 घायल।
राजस्थान के करौली में अस्पताल में बवाल, मरीजों के परिजनों के दो गुटों में मारपीट। बिहार के गया में दो गुटों में मारपीट, आजीवन कैद की सजा काट रहे एक मुजरिम ने अपने विरोधियों पर किया हमला। लखनऊ में सराफा कारोबारियों की हड़ताल खत्म, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का 40 दिनों से कर रहे थे विरोध। अगले 2-3 सालों में बंद होगा बिजली बनाने वाले कोयले का आयात, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बोले करीब 40,000 करोड़ रुपए की होगी बचत। गूगल के साथ मिलकर 9 दूसरे स्टेशनों पर रेलटेल ने की फ्री वाईफाई की शुरुआत, करीब 15 लाख मुसाफिरों का होगा फायदा। लग्जरी जहाजों पर सैर को भी एलटीसी स्कीम में किया जा सकता है शामिल, क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विचार कर रही है केंद्र सरकार। अयोध्या में रामनवमी पर सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जैश मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पर बैन न लगने से संयुक्त राष्ट्र पर उठे सवाल, भारत ने पूछा बिना वजह बताए गुप्त वीटो का इस्तेमाल किसी आतंकवादी के लिए कैसे है। बीते महीने यूएन कमेटी में अजहर मसूद पर आया था बैन का प्रस्ताव, कमेटी में से 15 में से 14 सदस्यों ने दिया था समर्थन, चीन ने बगैर वजह बताया किया था वीटो। जापान में आए तेज भूकंप ने के नए वीडियो में सड़क पर कांपती दिखी बसें, 24 घंटे के भीतर 2 बार कांपा जापान। जापान में शुक्रवार देर रात आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.4 दर्ज, सुनामी का अलर्ट हुआ जारी लेकिन अब खतरा टला। भूकंप के 6 घंटे बाद शुक्रवार को 8 माह की बच्ची को जापानी राहत और बचाव दल ने इमारत के मलबे से निकाला सुरक्षित, गुरुवार को भूकंप में हुई थी 9 की मौत।